नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। गुजरात से निकलकर देश की सत्ता संभालने वाले लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर वैसे तो अब तक कई फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी हैं और अब जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए आ रही है एक और फिल्म मोदी जी की बेटी, जिसका मोशन पोस्टर शुक्रवार को यानी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले लॉन्च किया गया। और ये पोस्टर ऐसा है जिसे देखकर अभी से लोगों में इस फिल्म को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगी है। दरअसल फिल्म निर्देशक एडी सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म मोदी जी की बेटी का 16 सितंबर को एक मोशन पोस्टर जारी किया गया, जिसमें एक महिला हिजाब में नजर आ रही है और उसे मीडिया ने चारों तरफ से घेर रखा है। फिल्म मोदी जी की बेटी का सबसे पहला मोशन पोस्टर जारी हुआ और ये तभी से सोशल मीडिया पर छा गया है। इस फिल्म में विक्रम कोचर, तरुण खन्ना, पितोबाश त्रिपाठी और अवनी मोदी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी बयां करती है जो फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती है, लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से एक विक्टिम बनकर रह जाती है। उसे एक धूर्त पत्रकार जानबूझकर देश के बड़े राजनेता की बेटी के तौर पर पेश कर देता है, जिससे उसकी जिंदगी में बिल्कुल नया मोड़ आ जाता है। इस फिल्म के नाम में पीएम मोदी का नाम जुड़े होने की वजह से भले ही आपको ये फिल्म सियासी लगे, लेकिन ये फिल्म फुल कॉमेडी और रोमांच से भरी है, जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र आता है। जब पीओके में रहने वाले दो कम अक्ल आतंकवादी बिलाल और तौसीफ खुद को साबित करने की जिद में कुछ ऐसा करने की ठानते हैं जिससे लोग उनकी हिम्मत की दाद दें। इसके लिए बिलाल और तौसीफ हिंदुस्तान की बेटी ऑपरेशन के तहत उस लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं जिसे पत्रकार ने देश के बड़े राजनेता की बेटी बता दिया था। ये दोनों आतंकवादी अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसके बाद इस किडनैपिंग की खबर से दोनों पड़ोसी देशों में सियासी भूचाल आ जाता है। गलत पहचान के चलते किडनैप हुई इस लड़की को बचाने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों पर भारी दबाव आ जाता है और फिर इसके आगे क्या होता है ये तो आपको 14 अक्टूबर को ही पता चलेगा, जब कॉमेडी और रोमांच से भरी ये फिल्म मोदी जी की बेटी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बहरहाल आने वाली इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।